हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डिलीशियस किचन डायरीज में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बूंदी की लड्डू की रेसिपी। आप इस रेसिपी को पूरा जरूर देखना और ट्राई करना। तो चलिए अब रेसिपी को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है और अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूंगी। पहले मैं पानी कम ऐड कर रही हूँ, अब मैं इसे विस्क की मदद से मिलाऊंगी। पहले मैं इसका गाढ़ा घोल बनाऊंगी और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के इसे पतला करूंगी। हमें इस बेसन को 7 से 8 मिनट तक विस्क करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। 8 मिनट तक विस्क करने के बाद अब ये बैटर रेडी हो चुका है। आप भी इसी स्टेज तक बैटर को रेडी करना। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। बूंदी को बनाने के लिए मैंने ग्लास में एक पैकेट को इस तरीके से लगा लिया है। आप यहाँ पर नमक का पैकेट या दूध का पैकेट इस्तेमाल कर सकते हो। और अब बैटर को मैं इसमें डाल लूंगी। आप भी इसी तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करना। अब प्लास्टिक को हम धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखना, नहीं तो बैटर नीचे गिर सकता है। इसे निकालने के बाद हम इसे ऊपर से फोल्ड करेंगे और इस तरीके का शेप बना लेंगे। ये एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया था और उसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर लिया है। तेल के गर्म होते ही मैंने फ्लेम को लो कर लिया है और उसके बाद बिल्कुल इस तरीके से मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। अगर आप छोटा कट लगाओगे तो आपकी बूंदी छोटी बनेगी। अगर आपको एकदम छोटी छोटी बूंदी चाहिए हो तो आप इसे बिल्कुल हल्का कट कर लेना। अब इसे डालने के बाद मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई पे कर दिया है और अब बीच बीच में मैं इसे पलट करके फ्राई करूंगी। आपको इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और इसका अच्छे से ध्यान देना है, नहीं तो ये जल सकता है। अब जैसे ही बूंदी का कलर इस स्टेज तक हो जाएगा तो आप गैस को लो फ्लेम पे कर लेना और आप इसे निकाल लेना। बूंदी बहुत ज्यादा तेल को एब्जॉर्ब करती है तो आप तेल को अच्छे से निकालना। आप तेल को निकालने के लिए छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं सारे बूंदी को इसी तरीके से करके एक प्लेट में निकाल लूंगी। मैंने सारे बैटर को इसी तरीके से करके निकाल लिया है और आप देख सकते हो कि बूंदी अब अच्छे से मेरी तैयार हो चुकी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब मैं यहाँ पे इन बूंदी को ग्राइंड करूंगी। तो आपको इस बूंदी को ज्यादा ग्राइंड नहीं करना है। ग्राइंड करते वक्त आपको ग्राइंडर को हाफ चलाना है और इसे तुरंत से बंद कर देना है। बिल्कुल इस तरीके की हमें इसे रेडी कर लेना है। अगर आपने अपनी बूंदी को एकदम छोटी छोटी बनाई है तो आपको इसे ग्राइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब चलते हैं हम लोग चाशनी बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो इसके लिए मैंने 1 कप चीनी लिया है और लगभग 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसे हम मेल्ट कर लेंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट के बाद ये एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुका है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तब हम उसमें ऐड कर लेंगे फूड कलर। आप कोई भी फूड कलर यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चुटकी भर रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ इलायची, जिसे मैंने अच्छे से कूट लिया था। आप चाहो तो यहाँ पे इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चाशनी को हमें ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। मैंने लगभग इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे खौला लिया है और उसके बाद मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और अब मैं ऐड करूंगी बूंदी जो हमने तैयार करके रखी थी। बूंदी को चाशनी में डालने के बाद मैं इसे चला करके मिला लूंगी। और चाशनी में अब इसे मिला लेने के बाद मैं गैस के फ्लेम को ऑन करूंगी और गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी। अब हम इस चाशनी को अच्छे से सुखा लेंगे ताकि ये बूंदी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। आप देख सकते हो कि चाशनी एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब होनी शुरू हो गई है और अब इसके कलर और टेक्सचर में भी चेंजेस होने लगी है। इस स्टेज तक पकाने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब इसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मेलन सीड्स। तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। मेलन सीड्स को डालने के बाद मैंने इसमें इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसका बनाएंगे लड्डू। तो आप देख सकते हो कि ये अच्छे से बन रहा है। तो चलिए अब इसको लड्डू बनाना शुरू करते हैं। और लड्डू को बनाने से पहले आप इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर लेना। तो चलिए अब इस तरीके से हम इसका लड्डू बनाएंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि लड्डू एकदम अच्छे से बन रहा है और ये कहीं से टूट नहीं रहा है, यानी कि आपने प्रोसेस बिल्कुल सही किया है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।